तो हाय गाइस, आज आप हाँ देख सकते हैं कि हमारा ये पहला वीडियो है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर से हम लोग इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो इमेज हम लोग बनाएंगे कैंडल्स के द्वारा, वो हम लोग कहाँ फॉर्म करेंगे, कितनी बड़ी होगी, कैसे होगी, हम लोग ये देखेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, हम लोग के पास कुछ चीज़ें हैं। जैसा देख सकते हैं आप, ये पहला हमारा कर्टन हो गया। इस पर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक शीट लगा देंगे जो कर्टन के तौर पर काम करेगा, स्क्रीन समझ सकते हैं आप। दूसरा, ये हम जो मिरर लेंगे उसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक स्टैंड समझ सकते हैं, ये दोनों ट्रॉफी हैं तो इस पर हम लोग सेट करेंगे। मेरे लिए ट्रॉफी है, आप जो जो अच्छा लगे आप लगाइएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हमारे पास एक कैंडल, मिरर, एक स्क्रीन, लेकिन अब हमें मेन चीज़ एक चाहिए, हमारा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो हम लोग उसको लेके आते हैं, ये हमारी छोटी सी लैब है, इससे हम लोग लाएंगे इसको। ये देखिए यार, जैसे हमारा केमिस्ट्री का सामान है तो हमें केमिस्ट्री सामान चाहिए ही नहीं, ठीक। तो हमें यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमें मैग्नेट चाहिए, ठीक है। तो ये मैग्नेट आप देखिए, ठीक है, हमें ये मैग्नेट है, लेकिन हमें मैग्नेट चाहिए नहीं, हमें मैग्नेट का जब प्रयोग पड़ेगा तो हम बताएंगे आपसे, ठीक है। तो हमें चाहिए इस समय ग्लास के अपरेटस, ठीक है। ग्लास के अपरेटस के लिए ये आप ग्लास अपरेटस देख सकते हैं, तो इसमें से हम लोग निकालेंगे। देखिए आप, ये हमारे हैं, ये आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमको चाहिए ही नहीं। आप दूसरा देख सकते हैं, ये फिर हमें चाहिए कॉनकेव मिरर, ठीक। तो कॉनकेव मिरर हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक। तो अब ये देखिए कॉनकेव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो हमें इस समय कॉनकेव की ज़रूरत है, तो हम लोग कॉनकेव लेते हैं, बाकी चीज़ें सामान डाल के हटा देते हैं। इसको हम लोग फिर इसी में डालते हैं, ठीक, इसमें डाला गया और इसको हम लोग भेज सकते हैं, ये ट्रॉली चलेगी, ठीक। तो हम आपके अब आप यहाँ से हम लोग प्रयोग शुरू करते हैं। ये मेरी कुछ चीट है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। इनको हम साइड में रखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमें एक नॉर्मल चार्ट की भी ज़रूरत है जिसपे हम आपको पूरी ऑब्जर्वेशन दिखाएंगे। ये देखिए, हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक वो बना रखा है कि जिससे हम आपको समझा सकते हैं। तो पहले आप आइए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए F इक्वल टू फोकस, ठीक है। सबसे पहले ये जो आपको ये देख सकते हैं हमारा ये जो मिरर है, मिरर के तौर पर हमने लिया है। अब लोग इस शीट को निकाल देते हैं क्योंकि हमें इसमें इसकी प्रयोगिता नहीं है, इसको हम योग नहीं प्रयोग तो साइड में डालिए। ये देखिए हमने ऑलरेडी एक टेप लगा लिया है यहाँ पर, इसको हम लोग इस पर फिक्स करने का प्रयास करेंगे। देखिए लग गया, ठीक। ये आप इसको ले सकते हैं, यहाँ पर आप सेट कर दीजिए। अब कैमरा में आप देख सकते हैं, इसमें आप जाकर देख सकते हैं कि वो फॉर्म लग चुका है मेरा, ठीक। और ये हमारा कर्टन है, तो कर्टन के लिए हमें अभी मेन चीज़ चाहिए, हम इतना छोटा पर्दा तो लगाएंगे नहीं, इमेज हमको बड़ी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक बड़ा डिब्बा लाते हैं जो कि हमारी ट्रॉली में है। आइए, ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक मधुबन का डिब्बा है, लेकिन हाँ इसमें हमको ये चाहिए, ठीक है। इससे हम लोग कट किए, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा है, ठीक है। तो इसको आपने खोला इस तौर पर, और ये जो हमारे अपरेटस हैं, जैसा कि ये सीजर हो गया, ये हो गया, तो आप इसको कट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको कट कर लिया है, तो हमें मेन चीज़ कट आउट करने पे ये मिलती है, ठीक है। तो आप इसको लेंगे कर्टन के तौर पे, हमारे पास जो पेने थी हम लोग इसको लेके यहाँ पर बेसिकली सेट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पेन आप रख सकते हैं अपनी जेब में, ठीक है। तो ये आपका तैयार हो गया स्क्रीन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़ें, इसको आप रख सकते हैं, डस्ट रखिएगा आप इसमें अपना जो आपका निकलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए आपकी ये है फोकस, ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, और उल्टा एट इसको कहा जाता है इनफिनाइट, ठीक है। अब हम लोग आज में क्या दर्शाएंगे, देखिए इसमें लिखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मिरर एंड फोकस। जो मिरर है, अब ये देखिए हम लोग जो कैंडल है, हम लोग इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है, हमारी ऑब्जेक्ट है। तो इसको लेके हम लोग यहाँ पर कर दीजिए सेट। अब इसको आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक मैच स्टिक ले ली, ठीक है, इसको बर्न किया, जिसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक। अब हमारी कैंडल जो है लिट हो चुकी है, वो सही से जल नहीं रही है, बोलते रहिए। तो जैसे ही हम देखिए अब मैच को हम लोग लिट कर लेते हैं, ठीक है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, लोग फिर से जलाते हैं इसको, लास्ट बची भी है, ये जल जाना चाहिए।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी ये कैंडल अभी जल नहीं पा रही है, तो हम लोग को इसको रिप्लेस करना होगा। हम आपसे मिलते हैं रिप्लेस करने के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने मोमबत्ती रिप्लेस की, बिकॉज ये थोड़ी सही नहीं थी, जो बहुत छोटी थी, तो हम लोग उसको हटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ने यहाँ इसको रिप्लेस किया, ठीक है, हमने फिक्स कर दिया। अब हम लोग ने इसको सबसे पहले यहाँ किया मिरर एंड फोकस के बीच में। हमारा ये मिरर है और ये फोकस है। हम उसको आपको लाइट बंद करके दिखाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अब आप इसके अंदर देखिए। अब आप चाहे जो आपका कर्टन है, आप या तो उसको एकदम अंदर ले आइए, नो इमेज यूनिफॉर्म, या तो एकदम आप दूर ले आइए। अब हम आपको दूसरी लाइट बंद करके दिखाते हैं, एकदम देखिए डिम। नो इमेज विल बी फॉर्म व्हेन द योर ऑब्जेक्ट विल बी इन द सेंटर ऑफ द फोकस एंड योर मिरर। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं आप कैमरा के अंदर, लेंस के अंदर आप देख लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा क्लियर कम है, लेकिन आप नो इमेज विल बी फॉर्म, ऐसा साइंस में लिखा है, बुक्स में लिखा है कि नो इमेज विल बी फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी इन बिटवीन ऑफ द फोकस एंड योर मिरर। एज यू हैव सीन, नो इमेज विल बी फॉर्म। सो we are trying too much to bring the image on the camera, but it's is not coming in that. अब आप देख सकते हैं जैसा कि मिरर के अंदर हमारी इमेज बन चुकी है, देखिए आप, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने किसी बहुत मुश्किल से आराम इसको ले आया है, कि आप देख सकते हैं कि जो ये है इमेज यहाँ पर आपकी फॉर्म हो गई है। आप फ्लेम देख सकते हैं, लेकिन जो ये हमारी कैंडल है, कैंडल हमारी थोड़ी छोटी है और अंदर में थोड़ी बड़ी बन गई। ये इसकी विशेषता होती है कि जब आप देखेंगे उसमें, तो आपको कॉन के मिरर में आपको इमेज बड़ी दिखेगी। अब हम आपको दूसरी लोकेशन पर दिखाते हैं कि अब इमेज कहाँ फॉर्म होगी। ठीक है, तो लाइट्स हम लोग ऑन कर देते हैं। देखिए, अब आप सेकंड, अब आप यहाँ देख सकते हैं ऑन फोकस। अब हम लोग जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग फोकस लाएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एकदम, जब तक आप फोकस में रखेंगे आपकी इमेज फॉर्म नहीं होगी। हम बिल्कुल इमेज फॉर्म कराएंगे, हम लोग इसको उसकी लाइन पे वर्टिकली ला सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ले आए इमेज। ठीक है, अब हम लोग इसमें ऐसा लिखा था हमारी नोट में कि ये इमेज इन्फिनाइट पे फॉर्म होगी। ठीक है, As you have seen that image is forming here. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इमेज हमारी इन्फिनाइट पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये इमेज क्लियर नहीं हो सकती है, लेकिन ये इन्फिनाइट पे फॉर्म होगी। और हम लोग अगर इसको और पीछे ले आने का प्रयास करेंगे, और इन्फिनाइट पे, इन्फिनाइट मतलब आप और दूर ले आइए, और देख सकते हैं अब इमेज यहाँ पे क्लियर है। अगर इससे और पीछे आएगी तो इमेज नहीं आ सकती। अब आप यहाँ से देख सकते हैं आराम से, कि आप जूम करके भी देख सकते हैं कि बड़ी इमेज है, क्लियर आ चुकी है इमेज आपकी। अब हम लोग आते हैं अपनी थर्ड इमेज पे। ठीक, आइए, अब यहाँ पर लिखा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर। फोकस और सेंटर के बीच में अब हम लोग ऑब्जेक्ट को लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट अभी तक फोकस पे था, अब हम लोग सेंटर में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सेंटर है, और हमने यहाँ पर लाइनिंग फॉर्म करी, हमारा सेंटर यहाँ भी आ सकता है, ये देखिए आप। ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग आएंगे फोकस एंड सेंटर के बीच में, तब हमारे जो ये है अब बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, ना कि इन्फिनाइट पे, अब इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब आप थर्ड सिचुएशन हमारे देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर इमेज, बिल्कुल क्लियर इमेज आप यहाँ देख सकते हैं हमारे इसकी बनी है। ठीक है, इमेज हमारी फॉर्म हो गई कर्टन पर। अब आप लाइट हम आपको बंद करके दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि ये बिटवीन फोकस एंड सेंटर, ये आपका सेंटर है, देखिए ये आपका सेंटर है। ठीक है, ये आपका सेंटर है और ये फोकस है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेटली बीच में है। अब ये यहाँ पर रेज गई और यहाँ फॉर्म हो गई। ठीक है, थर्ड सिचुएशन है आपकी।
अब हम आपको ले चलते हैं अपनी फोर्थ प्लेस पे, ठीक है। अब आप देखिए फोर्थ सिचुएशन हमारी है ऑन सेंटर, अब हम लोग एकदम इसको मध्य में रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे। तो आइए हम लोग इसको सेंटर पे रखने का प्रयास करते हैं। अभी आप जैसे देखते हैं फोर्थ सिचुएशन है, तो हम लोग फोर्थ नंबर के कॉलम पे जैसे कि सेंटर पे लेके आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमारी ये इमेज है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, ठीक। ये एकदम सेंटर पे है, लेकिन हमारे सेंटर पे लिखा है इसमें कि जो आपका इमेज है पोजिशन दैट विल बी ऑन सी, सी पे एकदम, जैसा कि अब एकदम जे कि आपकी जो स्क्रीन है वो भी एकदम सामने ऑब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट भी वहीं पर सी पे, सेंटर पे दोनों ही आएंगे। आइए देखिए, ये देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं, हम लोग उसको फॉर्म करने का प्रयास करते हैं एकदम अच्छे से, लाइट बंद करके देखते हैं। दिस शुड बी फॉर्म, फॉर्म नहीं हो पा रहा है लेकिन हम करने का प्रयास करेंगे पूरा। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमने इमेज फॉर्म करने का पूरा प्रयास किया और हम लोग सफल रहे। अब आप यहाँ देखिए, ये जो हमारी देखिए, अब हमारा जो कर्टन है वो तो आगे ही आ गया है, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि अब हम लोग फोर्थ सिचुएशन पे हैं और उसको फॉर्म करने की इमेज, जो अब हमारी जो इमेज है हम उसको कर्टन बना लिया। अब देख सकते हैं आप ब्लर इमेज आ रही है, लेकिन हमें क्लियर दिखानी है, हम उसको धीरे धीरे आगे लाएंगे, ठीक है। फोर्थ सिचुएशन से आप देख सकते हैं एकदम क्लियर इमेज बनने लगे, थोड़ा सा और आगे और सेंटर पे आप देख सकते हैं एक सीध में दोनों हैं और एकदम एकदम क्लियर फॉर्म हो रही है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर वैक्स भी फॉर्म हो रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ का ये वैक्स है जी, हमारे कैंडल है इसकी वैक्स क्लियरली, थोड़ा समझ लीजिए जूम कर भी के आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अब आते हैं अपनी फिफ्थ सिचुएशन पर, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग लाइट ऑन करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपनी फिफ्थ सिचुएशन पे, अब जैसे कि यहाँ लिखा है बियॉन्ड सेंटर, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड आएगा, ना कि हमारा कर्टन जाएगा, हमारा कर्टन अब और आगे जाएगा और अब यहाँ से हमारी ऑब्जेक्ट पीछे आना चालू होगी सेंटर से, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बियॉन्ड सेंटर, ठीक। हम लोग आते हैं अपने फिफ्थ सिचुएशन पे, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एकदम करेक्टली यहाँ पर रखने का प्रयास किया और सफल रहा हम लोग। अब अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फोर्थ पे लाए थे सेंटर पे, लेकिन अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। एज रिटन इन साइंस आवर बुक्स इट विल फॉर्म हियर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी कम क्लियर इमेज फॉर्म हुई, लेकिन हम लोग लाएंगे इमेज एकदम अच्छे से, लाइट हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब आप देखिए ये कि जो आपका इमेज है वो एकदम क्लियरली फॉर्म हो रहा है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। फोकस करके आप देख सकते हैं वहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि एकदम इरेक्टेड है इमेज हमारी। कैंडल भी देखिए, अब उसके बाहर सिचुएशन में आपको उसकी वैक्स दिखेगी, थोड़ा सॉरी आगे आ गया लेकिन सही है, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट सेकंड। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट और ए और सिक्स सिचुएशन पर, ठीक है। हम लोग लाइट्स ऑन करते हैं। अब देखिए, अब लास्ट सिचुएशन हमारी बन रही है, हम लोग अपने उसमें देखने का प्रयास करते हैं एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये लिखा है एट इन्फिनिटी मतलब अनंत पे रखेंगे अब हम लोग, ठीक है। अनंत मतलब अनोन, उसको हम लोग को चार्ट पेपर से अपने अलग लेके जाना है, जितना आप दूरी चाहते हैं, ठीक है। हम लोग उसको लेके आते हैं यहाँ पर, अनंत मतलब एकदम लास्ट, हमारे लास्ट टेबल का एक कोना है तो हम लोग लेके आ गए, ठीक है। और ये जो हमारी है, और इसको हम लोग और आगे लाएंगे बस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर लाने का प्रयास कर सकते हैं, होगा भी प्रयास सफल रहा। अब आप आके देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि इसे आप देख सकते हैं सिक्स ये लिखा है, एकदम छोटी सी इमेज, एकदम छोटी सी, लेकिन वो भी हमारी फॉर्म हुई, छोटी से छोटी इमेज हमारी, ठीक है।
जो और ये फोकस पे आकर रुका है, ठीक है। हम लोग जो इमेज फॉर्म किए जहाँ तक हम लोग लाने का प्रयास किए हैं वो फोकस पे आया। देखिए यहाँ से हम लोग ब्लर है, ठीक है। हम लोग अभी तक कहाँ थे, फिफ्थ सिचुएशन पे, जहाँ पे क्या था, बियॉन्ड सेंटर, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर पे थे। लेकिन अब लास्ट सिचुएशन एट इन्फिनिटी, हमारा ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटी पे जा चुका है, ठीक है, उस पर कोई बात ही नहीं करनी, वो ऑलरेडी इन्फिनिटी जा चुका है, मतलब एकदम एंड पे गया, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को यहाँ इमेज लाने का प्रयास करना है कर्टन पे, तो हम लोग लाएंगे, आगे लाएंगे, लाएंगे लाएंगे और लाएंगे। आप देख सकते हैं हम लोग लाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, और ये एक समय ऐसा आता है कि एकदम क्लियर, छोटी सी एकदम सूक्ष्म में छोटी सी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो गई। हम आपको लाइट बंद करके भी दिखा सकते हैं, ये देखिए, जूम करके आप दिखा सकते हैं, और देखिए ये छोटा सा हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया है। इमेज हमारा एट द लास्ट एकदम पीछे कोने में है, ठीक है, एकदम इन्फिनिटी ही सही, एकदम इन्फिनिटी पे है, एकदम पीछे है, और यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हो चुकी है। हाँ, जूम करके आप समझ सकते हैं, दोनों कैंडल देख सकते हैं आप अपनी, कि वो इन्फिनिटी पे है और यहाँ पर है, ठीक है। अब इससे ये सिद्ध होता है, ये हमारी जो छों के छः सिचुएशन थी, लेकिन इसमें से एक एक सिचुएशन हम लोग हटा देंगे, जिसे कि हम लोग पहले कहे थे ऑन फोकस। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम थोड़ी सी लाइट यहाँ दिखाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ऑन फोकस, हमने सबसे पहले बताया था यहाँ पर ऑन फोकस, ठीक है। तो इस सिचुएशन, तो ये हमने जितना अभी तक ये किया, ठीक है, पाँचों पाँचों हमने किए, इसमें से एक जो सिचुएशन थी हमारी सबसे पहले सिचुएशन मिरर एंड फोकस वाली, जैसे ये हमारा ये था, ठीक है, ये हम इसको इन्फिनाइट पे लेके जाते हैं, ठीक है, एज वी हैव सीन दैट, इसको हम लोग इन्फिनाइट पे जाते हैं, इसको हम लोग यहाँ लेके आते हैं। तो ये जो सिचुएशन थी आपकी, इसमें नो इमेज वॉज फॉर्म, ठीक है, इसमें हम लोग इमेज बनाने का बहुत प्रयास किया हमने, लेकिन हम लोग सिर्फ मात्र इसका रिफ्लेक्शन पा पाए, अदर नथिंग हम लोग इमेज नहीं ले पाए। तो ये सिचुएशन को छोड़ के बाकी हमारे जितने भी सिचुएशंस थी, उन सिचुएशंस को हम लोग लेके, ठीक है, इसको हम लोग फोकस कर देते हैं फिर से। तो जितनी सिचुएशन थी ये ऑन फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, ठीक है, और एट सेंटर, सेंटर पर जैसे आपने लिया, ऑन सेंटर लिया, और बियॉन्ड सेंटर, सेंटर के पीछे और, ठीक है, बियॉन्ड मतलब पीछे होता है, तो एट इन्फिनिटी, तो 1 2 3 4 5, ये पांचों सिचुएशन जो थी आपकी, ये इन सिचुएशन आपकी रियल इमेज फॉर्म होती है। और पहली सिचुएशन जो मिरर एंड फोकस वाली, उसमें नॉन रियल वर्चुअल जैसे कि उसे वो इमेज आपकी फॉर्म हुई। तो इस वीडियो में हमने ये समझ लिया, इसकी समरी यही थी कि पांच इमेज आपके रियल फॉर्म हुई, और फोकस एंड मिरर एंड फोकस वाली इमेज आपकी गलत थी, मतलब वो वर्चुअल थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।